पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादर बाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है राजीव नगर पीएस लिमिट से, क्योंकि राजीव नगर के पास हमेशा की तरह इस बार भी और एक कत्ल हुआ है। मरने वाले इंसान का नाम हामिद बताया गया, वहीं पर हामिद के दोस्त ने इसका कत्ल किया है, इस तरह का शक व शुबा है। वहीं पर मरहूम हामिद के भाई को और उनके मामू को ये शक है कि हामिद के सालों ने इनका कत्ल किया है। तो बहरहाल अभी मजीद तहकीकात होना बाकी है कि आखिर ये कत्ल किसने किया। बहरहाल पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करती है। तो आइए बड़े अफसोस के साथ अफसोसनाक खबर हम आपको दिखाते हैं राजीव नगर पीएस से। कितने बजे गए तुम्हारा घर में से? 3 बजे हमारे मारे थे, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे छुप गए थे। छुप गए तो ना बाहर निकले, बाद में फोन के आदमी ऑटो आया तो उसके साथ बैठते गए। 3 बजे गए। क्या नाम है इनका? सैयद हमीद है। कहाँ रहते हैं? टप्पा चबूतरे। क्या काम इनके माँ बाप वहाँ पे? कितने बच्चे हैं इनको? इनको 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। नहीं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते। अब इधर किधर रह रहे अभी? वॉचमैन की नौकरी, वाटर टैंक आलमगिरी मस्जिद। आलमगिरी मस्जिद वाटर टैंक का नाम है। 5 का पानी नहीं वहाँ सामने देते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुकरम है, मैं मरहूम हमीद का भाई हूँ, सैयद हमीद हुसैन का। जो सो मेरे को कल फ़ोन आया कि हमारे भावज फ़ोन करे कि हमीद का ऐसा मर्डर होगा बोल के, लेकिन पुलिस राजेंद्र नगर से हमारे को एक्सपर्ट मिला जो सो एक ही आदमी को बुक करे, लेकिन एक आदमी नहीं मार सकता मेरे भाई को। 6 से 8 जने मारे सो इनको। और जो सो यहाँ पर पाचा साहब से भी गुजारिश है, साहब से गुजारिश है, और जरा हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, जैसे कम से कम ये खाती लोगों को जरा कम से कम सजा दिलाओ। और जो सो एक ही जने सिलेंडर हुए इसमें, जो सो साहब एक जने का हाथ नहीं है इसमें, और मरने वाला भी बहुत जानदार था साहब, उसको 6 से 8 जने मारे थे। मामा बोलो भाई, आपको किसी पे शक है? हाँ, शक है कि उनकी बीवी का ऊपर शक है कि उनकी बीवी से हम बात करें तो उनकी बीवी बोल रहे हैं कि आए थे हमको मारे, मारने के बाद फिर एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाले के साथ गए। ये सब झूठ बात है। और उन पूरा उनके साथ कौन है कि उनके उनकी साली के और दो बच्चे भी इन्वॉल्वमेंट है मर्डर केस में, उसको एक आदमी नहीं मार सकते। मैं बच्चों का नाम बोल, सोहेल जहीर के ऊपर भी शक है हमारे को। सोहेल जहीर को उठाने लगा साहब, सोहेल जहरीज मार सकता उसको, वो बच्चा नहीं मार सकता। ऊपर गनेड़ डाल दिए हैं उसके सर के ऊपर, गनेड़ डाल दिए हैं और जिस्म पे चाकू छोड़ दिए हैं। चाकू एक जिस्म में फंसा हुआ है और जिस्म पे पूरे चाकू के निशाना है। अब देखो आगे, हम ये पेपर न्यूज के माध्यम से बोल रहे हैं कि अब जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करे और उसको अरेस्ट करे फौरन। जो राजनगर पुलिस स्टेशन लिमिट लो సన్ సిటీ పక్కన ఉన్నటువంటి పిఎన్టీ కాలనీ హైదర్ ఎన్క్లేవ్ లో ఒక వ్యక్తి హమీద్ అనే ఒక వ్యక్తిని ఫహద్ ఖురేషి అనే ఒక వ్యక్తి చంపినానని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫహద్ ఖురేషి మా డిఏ గారి ముందర కన్ఫెస్ చేయగా డిఏ గారు వచ్చేసి క్రైమ్ సీన్కి వచ్చేసి చూసేటప్పటికి ఆ డెడ్ బాడీ పైన కత్తిఘాట్లతో ప్లస్ తల పగిలి ఉన్నది। ఇమిడియట్గా అది పంచనామా చేసేసి ఎఫ్ఐఆర్ కట్టడం జరిగింది। ఆ ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారము మా ఇన్స్పెక్టర్ కనకాయ దీనిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు। అసలు కారణం ఏంటిది అనేది, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు తాగినారట, తాగిన తర్వాత ఇంకొద్దిగా బాటిల్ కావాలని చెప్పడం వల్ల ఆ ఇద్దరి మధ్య గొడవ అయింది। ఆ గొడవలో భాగంగా అతనితోనే అతను తీసుకొచ్చిన కత్తితో అతనితో పొడిచినా అని చెప్తున్నారు।
डॉक्टर फरहानास पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फराना अल जाबरी। कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैंस रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में। पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।